अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ शकरकंदी के फायदे, जिसे हम इंग्लिश के अंदर स्वीट पोटैटो बोलते हैं। हम उसके आज फायदे की तरफ जाएंगे। कोई ड्रामा नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, सिर्फ सच बताऊंगा। तो वीडियो आपने सारी जरूर देखनी है, तो सबसे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, घंटी को भी दबा लें, ताकि जो ऐसी नॉलेजेबल इलम वाली वीडियो मैं अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। अगला, इसका बेनिफिट जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है, दिल का मसला है, वो जरूर खाएं। डॉक्टरों के पास जाकर धक्के खा रहे हैं, वो जाकर यार 100 किलो शकरकंदी आ जाती है, वो खाएं यार, डेली खाएं। जिन लोगों को दिल का मसला है, वो जो आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल फंसा हुआ है, वो डॉक्टर 1 लाख रुपया लेता है, 100 किलो शकरकंदी मिल जाती है, उससे खाएं। यकीन करें, आपका कोलेस्ट्रॉल आपकी दिल की नालियों से ना निकला तो कहना यार, डेली इस्तेमाल करें अपना कोलेस्ट्रॉल। 1 हफ्ते बाद चेक करवा के देखिए, आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे आएगा इसके इस्तेमाल से। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि ये जिन लोगों को घुटनों के अंदर दर्द होता है, जोड़ों के अंदर दर्द होता है, शकरकंदी उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि घुटनों का दर्द होता क्यों है, ये दो हड्डियाँ हैं, इनके अंदर एक कार्टिलेज होता है, वो जो कार्टिलेज है वो हड्डियों को आपस में टकराने से रोकता है। तो जब कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है तो हड्डियाँ आपस में टकराती हैं, तो टकराने से दर्द पैदा होता है, जिसे हम पंजाबी के अंदर जोड़ों का दर्द बोलते हैं। शकरकंदी इस जोड़ों के दर्द को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल किरदार अदा करती है। अगला इसका बेनिफिट बहुत ही अहम है, जिन लोगों को शुगर है, शकरकंदी उनके लिए अल्लाह ताला ने एक नेमत ही बना रखी है। शुगर क्यों होती है? शुगर इसलिए होती है, जब हमारा लबलबा एक हार्मोन जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन नहीं बना पाता, तो उस कंडीशन को, इस स्टेज को हम बोलते हैं डायबिटीज, जिसे उर्दू के अंदर हम शुगर बोलते हैं। तो शकरकंदी के इस्तेमाल से ये जो इंसुलिन है, ये नेचुरली हमारे लबलबे से बननी शुरू होगी। शकरकंदी जाकर इस इंसुलिन को बनवाती है लबलबे से, ये कहती है कि लबलबे इंसुलिन बना। तो लबलबा पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है। जिन लोगों को शुगर है वो शकरकंदी ज़रूर खाएं, यकीन करें बहुत ही अहम है उनके लिए, बहुत ही मदद करती है शुगर के मरीजों के लिए, उनकी शुगर को ठीक करने के लिए। अगला इसका बेनिफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है वो शकरकंदी का इस्तेमाल ज़रूर करें। शकरकंदी के अंदर पोटेशियम होता है, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है उसको भी नीचे लाती है शकरकंदी। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो होता है, शकरकंदी इस लो ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करती है। तो दोस्तों, शकरकंदी ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत ही बेस्ट है, तो इसका इस्तेमाल ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए तो कैसे करवाएं, उनको खा, बहुत अच्छी है उनके लिए यार, खाएं। अल्लाह ताला की चीज़ों के अंदर बहुत ही फायदे हैं। ये आँखों की रोशनी को तेज़ करती है। दोस्तों, शकरकंदी के अंदर एक न्यूट्रंट होता है जिसे हम बोलते हैं बीटा कैरोटीन। ये जो बीटा कैरोटीन जब हमारे मैदे के अंदर जाता है, जब हम शकरकंदी खाते हैं, तो ये बीटा कैरोटीन जब हमारे मैदे के अंदर जाता है तो वहाँ पर जाकर ये तब्दील हो जाता है विटामिन ए के अंदर। तो आप जानते हैं कि विटामिन ए हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल किरदार अदा करता है। अगला इसका बेनिफिट ये है कि जिन लोगों को चाहते हैं कि उनकी स्किन अच्छी हो, ग्लो आए, पिंपल्स वगैरह हट जाएं, तो शकरकंदी का इस्तेमाल करें। इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन ए होता है, मैं पहले बात कर चुका हूँ। तो विटामिन ए स्किन की ग्लोनेस के लिए, स्किन के ऊपर पिंपल्स को हटाने के लिए, छाइयों को हटाने के लिए, हर तरह की गंदगी को हटाने के लिए शकरकंदी बहुत ही बेस्ट है। शकरकंदी का इस्तेमाल आपकी स्किन को प्यारा बना सकता है, तो इसका इस्तेमाल जरूर करें जो लोग स्किन को ठीक करना चाहते हैं। अगला इस्तेमाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे भाई झूठ बोल रहा है, मैं पहले ही बात कर चुका हूं, कोई झूठ नहीं बोलूंगा, सच बोलूंगा। ये कैंसर को खत्म करने के लिए बहुत ही अहम है। इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे हम बोलते हैं एंथोसायनाइन। ये जो एंथोसायनाइन है, ये कैंसर का अंदर जो सेल है, कैंसर का जो ट्यूमर है, जो कैंसर का मादा अंदर बना हुआ है, ये जो एंथोसायनाइन है उसको जाके मारता है, किल करता है, जिससे वो कैंसर का सेल है, कैंसर का ट्यूमर है, वो टूटता है, श्रिंक हो जाता है, सुकड़ता है, और आपका कैंसर ठीक हो सकता है। शकरकंदी कैंसर के मरीजों के लिए बहुत ही अहम है, ये साइंस ने बताया है। अगला इसका बहुत ही बेस्ट बेनिफिट्स है, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो ले सकते हैं।
बॉडी बिल्डिंग के लिए ये बहुत ही अहम है। आप जब वर्कआउट करने जाएं, एक्सरसाइज करने जाएं, जिम करने जाएं, तो जिम के एक या आधा घंटा पहले आप शकरकंदी का इस्तेमाल करके जाएं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आपको इतनी ताकत मिलेगी, इसके अंदर ताकत इतनी होती है कि आप जब जिम लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके दौरान ये शकरकंदी आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देती है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लंबा अपना वर्कआउट कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लंबी आप एक्सरसाइज कर पाते हैं। इसका बहुत ही बेस्ट बेनिफिट है, जो लोग बेचारे कब्ज़ से तंग आ चुके हैं, उनका पेट दर्द करता है, कब्ज़ वगैरह है, गैस होती है, मैदे के अंदर दर्द होता है, वो शकरकंदी का इस्तेमाल करें। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब यार हमें कब्ज़ है, डॉक्टर साहब दवाई देते हैं, पता नहीं क्या दे देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, शकरकंदी का इस्तेमाल करके तो देखें। ये इसके अंदर एक सोलूबल फाइबर होता है, वो जो सोलूबल फाइबर है वो आपकी बॉडी से ज़्यादा वाटर लेता है और आपके जो स्टूल है, जो आप पखाना करते हैं, उसके अंदर एब्जॉर्ब करवाता है, जिससे आपका जो पखाना है वो नरम हो जाता है। तो पता है ना, जब कब्ज़ होती है तो पखाना सख्त होता है, वो नहीं निकल पाता, मैं अब क्या बोलूँ यार, नहीं निकल पाता, तो उससे क्या होता है कि आप जोर लगाते हैं, नहीं भाई, फिर दर्द भी वगैरह भी, बवासीर वगैरह के चांसेस भी होते हैं। तो ये जो शकरकंदी है वो पानी लेती है बॉडी से और पखाने के अंदर डालती है, जिससे पखाना नरम होता है और आसानी से गुजर सकता है, जोर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दोस्तों बात रही मुख्तसर, इसके इतने फ़ायदे हैं, अगर आप इसको हफ्ते के अंदर दो बार भी इस्तेमाल करें ना, तो यकीन करें सोने पे सुहागा है, सोने तो सुहागा, सारे सोने तो सुहागा, इनू खा के देखो, यकीन करो तुहानू इन्ना का फायदा मिलना सोच भी नहीं सकते। अल्लाह की चीज़ आ, नेमत तुहानू बहुत वड्डी आ, इहदे च इन्नियां शैवां मैं तुसीं सोच भी नहीं सकते, कोई नुकसान नहीं इहदा, कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं, ज़्यादा खाओगे तो नुकसान, लिमिट च खाओगे तो ठीक आ। ते अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, तो टेक केयर गाइस, खुदा हाफिज़।